नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेरिजियम के बारे में। यह एक प्रकार का सर्जिकल केस है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपकी जो कंजक्टाइवा है, आपकी जो व्हाइट पार्ट है आई का, उसके ऊपर मांस बढ़ने लगता है और यह तिकोने आकार में यानी त्रिकोण आकार में बढ़ता है, ट्राइंगल शेप में बढ़ता है और इस कंडीशन को नाखूना या टेरिजियम बोला जाता है। इसी कंडीशन के बारे में आज बात करेंगे, इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेरिजियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को आंख के ऊपर व्हाइट पार्ट पे एक त्रिकोण आकार का, एक ट्रायंगल शेप का मांस का टुकड़ा बढ़ने लगता है। इसमें ब्लड वेसल्स भी इंक्लूड होती है, तो आप अगर नजदीक से देखेंगे तो आपको उसमें छोटी छोटी खून की नलियां भी आपको देखने को मिल सकती है। यह एक प्रकार का नॉन कैंसरस ग्रोथ है। यह आपके लिए हानिकारक एज अ कैंसर तो नहीं है, लेकिन यह जब और आगे बढ़ने लगता है, प्रोग्रेस करने लगता है, तो आपके व्हाइट पार्ट से लेकर यह जब ब्लैक पार्ट पे आने लगता है यानी कॉर्निया वाले एरिया में आने लगता है, तो यह आपके विजन को भी खराब कर सकता है। आगे जाकर आपके विजन को धुंधला करने के साथ आपके विजन को कंप्लीट लॉस की ओर भी ले जा सकता है। तो ऐसा होने से पहले ही आपको जाग जाना चाहिए, उससे पहले ही आपको अवेयर हो जाना चाहिए और इसका टाइम पे इलाज करवाना चाहिए। यह मांस का टुकड़ा जब पुतली पर आने लगता है तो इसी कंडीशन को टेरिजियम बोला जाता है। पिपिल पर आने पर यानी कि आगे वाले जो एरिया है, कॉर्निया वाले एरिया है, इसमें आने पर, पिपिल पर आने पर ये जो नज़र होती है इसकी, पेशेंट की आईसाइट जो होती है वो ख़राब होने लगती है। और ऐसा उन पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है जो कि आउटर फील्ड में काम करते हैं, जो कि घर से बाहर कामकाज के लिए निकलते हैं, डेली सनलाइट का एक्सपोजर है, फील्ड का काम है, या ऐसे लोग जो खेतों पे काम करते हैं, या मजदूर लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो मार्केटिंग में है या और किसी ऐसे फील्ड में है, जिसकी वजह से उनको पूरे दिन घूमना पड़ता है, पूरे दिन उनको सनलाइट का एक्सपोजर रहता है, साथ ही साथ उनको खुली हवा का या तेज हवा का एक्सपोजर रहता है। अगर वो बाइक पे जाते हैं, टू व्हीलर राइड करते हैं या फोर व्हीलर में राइड करते हैं और विंडो ओपन रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन की वजह से, हवा लगने से और सनलाइट लगने से, पॉल्यूटेंट लगने से, यहाँ पर जो है मांस की वृद्धि होने लगती है, मांस बढ़ने लगता है, और ऐसा इन्हीं पेशेंट्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षणों की अगर बात करें तो लक्षण वही है जैसे त्रिकोण आकार में आपको मांस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मांस का टुकड़ा आपको आई के अंदर दिखाई दे सकता है, व्हाइट पार्ट को यह कवर करता है और ये हमेशा ट्रायंगल शेप में होता है और आंख के मिड पार्ट की ओर बढ़ता हुआ सा आपको नजर आता है। यह प्यूपिल पर आ जाए उससे पहले आपको अवेयर हो जाना चाहिए, उससे पहले आपको इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। इसमें और भी सिम्टम्स आते हैं जैसे पानी आना, खुजली होना, आंख में जलन होना, जाल जैसा दिखाई देना, या मांस का टुकड़ा आपको जैसे पिंकिश रेड कलर में दिखाई देता है। इसी प्रकार के जो है कुछ विजिबल सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं और इन्हीं सिम्टम्स के आधार पे यह पता चलता है कि आपको टेरिजियम हुआ है। प्रिकॉशंस की अगर बात करें कि क्या क्या ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, या अगर उत्पन्न हो गई है तो उसको धीमा किया जा सके, उसकी प्रोग्रेस को कम किया जा सके, तो ऐसी कंडीशन में आपको सनलाइट से बचना चाहिए। उसको बचने के लिए आप सनग्लासेस का यूज कर सकते हैं। टू व्हीलर राइड करते हैं तो एक कंप्लीट हेलमेट पहने जिससे आपको डायरेक्ट आंखों पर हवा ना लगे। अगर फोर व्हीलर राइड कर रहे हैं तो आपको विंडो को बंद रखना चाहिए जिससे कि आपको आंखों पे तेज हवा ना लगे, आपको सनलाइट का एक्सपोजर कम से कम हो। ऐसा करने से आपको टेरिजियम होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। ट्रीटमेंट के लिए जब भी आप डॉक्टर के पास, अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको सर्जरी के लिए एडवाइज कर सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन में काफी सारे प्रोसीजर्स आजकल उपलब्ध हैं जिनको करके आप इस टेरिजियम से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि कई पेशेंट्स में ये वापस से हो जाते हैं और ये केसेस जो है, ये टेरिजियम, ये ओवरग्रोथ जो है, ये वापस हो जाती है ऑपरेशन करवाने के बाद भी। तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी की मदद ले सकते हैं। होम्योपैथी में कुछ दवाएं आती है जो कि आपको इस प्रकार के केसेस में हेल्प कर सकती है, उन्हीं के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली अगर मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहली मेडिसिन है थूजा 200।
थूजा 200 मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो बॉडी में कहीं पर भी ओवर ग्रोथ को कम करने में हेल्प करती है। तो थूजा 200 मेडिसिन का आपको दो बूंद सुबह सुबह दिन में एक बार उपयोग में लेना है। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है जिंकम मैट 30। जिंकम मेटालिकम 30 मेडिसिन एक वेल नोन मेडिसिन है टेरिजियम के केसेस में, और टेरिजियम में मैंने अपने क्लिनिक में कई पेशेंट्स में देखा है कि इस दवा से बहुत ही अच्छे लाभ मिले हैं। जिंकम मैट 30 का आपको दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर में और दो बूंद रात में, दिन में तीन बार आपको उपयोग में लेना है। और तीसरी जो दवा है उसका नाम है टेल्यूरियम मेटालिकम 30। टेल्यूरियम मेटालिकम 30 एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ज्यादातर फंगल ओवर ग्रोथ में काम करती है, साथ ही साथ टेरिजियम जैसी ग्रोथ होती है तो उसमें भी यह हेल्प करती है। इस दवा का आपको दो बूंद सुबह सुबह दिन में एक ही बार उपयोग में लेना है। ये तीनों दवाओं का उपयोग आप कम से कम 2 से 3 महीने तक रेगुलर करेंगे तो आपको टेरिजियम में ग्रोथ धीरे धीरे आपको कम होती दिखाई देगी और आपकी टेरिजियम वाली जो कंडीशन है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इन दवाओं के साथ में आप एक आईड्रॉप का भी उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम है सिनेरेरिया मेरिटिमा D2 आईड्रॉप। यह अल्कोहल फ्री होती है तो यह आपको किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म यूज में एडवर्स इफेक्ट नहीं देती है। तो इस दवा का आपको इस ड्रॉप का दो बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में तीन बार दोनों आंखों में डालना है, या जो आई आपकी अफेक्ट है उसी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस दवा का उपयोग भी आपको कम से कम 2 से 3 महीने रेगुलर करना है। ऐसा करने से जो टेरिजियम की वजह से आपको थोड़ा बहुत धुंधलापन दिखाई देता है या थोड़ा बहुत आपको जाले जैसा महसूस होता है तो वो कंडीशन भी आपको इम्प्रूव करने में यह दवा मदद कर सकती है। मेरे द्वारा दी गई टेरिजियम के बारे में यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।